हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखदेव सर वेलकम्स यू वंस अगेन इन द वेब क्लासेस ऑफ अर्पण इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th अकाउंट व्हिच इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 1. वी हैव डन लॉट ऑफ सम्स, बट ऑल द सम्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कमिंग सम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द सम्स एंड वॉचिंग द वीडियोज. वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर सम ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स हैव अ लुक वॉट द नेक्स्ट सम सीज. स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 7. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. राम, लक्ष्मण, सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. मीन्स देयर आर थ्री पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म. ऑन 1st April 2016 द कैपिटल वॉज ₹40,000, ₹30,000, ₹80,000 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन्स फर्स्ट नेम वॉज राम, सो राम्स कैपिटल विल बी ₹40,000. सेकेंड नेम इज लक्ष्मण, सो द कैपिटल लक्ष्मण इज कैपिटल ऑफ लक्ष्मण इज ₹30,000 एंड ₹80,000 विल बी ऑफ सीता. बराबर, ये तीन लोग हैं, तीनों की कैपिटल रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर वाइज दिए, जिसका नाम जैसे दिया हो उस तरह से कैपिटल है. पहले राम का नाम है तो राम का 40,000, फिर लक्ष्मण है 30,000, फिर सीता है 80,000. एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ध्यान से सुनना, यहीं पर आपको समझना है कि इन लोगों ने क्या नहीं किया है और हमको क्या करना है. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized मतलब बाद में पता चला, that charging of interest on capital at 12% is missed out. What we have missed out? The charging of interest on capital at 12% is missed out. Write general entry for rectification. स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्री पार्टनर्स दिए हुए विथ हैविंग दियर डिफरेंट थ्री कैपिटल्स. तीनों की तीन अलग अलग कैपिटल है और हमको जो है 12% पर एनम कैपिटल का इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को. बराबर, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटिंग करने के टाइम पर जो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम भूल चुके हैं. मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया है, हम भूल गए हैं. तब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक प्रकार से एक्सपेंस हुआ. बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. बोला सर कैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट, मतलब तो कैपिटल तो हमारा ही हुआ तो हमको इंटरेस्ट मिल रहा तो इनकम होनी चाहिए ना. लेकिन स्टूडेंट्स, इन द 11th स्टैंडर्ड वहाँ पर इंटरनल लायबिलिटी का एक सेक्शन था, एक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें ऐसा क्लियरली समझाया था. मैंने नहीं समझाया होगा आपको, लेकिन ऐसा 11th स्टैंडर्ड में बताया हुआ है कि जो फर्म होती है, बिजनेस और ऑनर ऑफ द बिजनेस, बोथ आर द डिफरेंट एंटिटी. दोनों अलग अलग पार्टीज होती है. बराबर, बिजनेस का जो ओनर होता है वो अलग माना जाता है और बिजनेस अलग माना जाता है. बराबर, अगर बिजनेस का ओनर कैपिटल बिजनेस को प्रोवाइड करता है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना इज़ द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस का एक्सपेंस होता है. तो अगर हम किसी एक्सपेंस को काउंट करना भूल गए हैं, अगर हम किसी एक्सपेंस को काउंट करना भूल गए हैं, इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है. मान लो कि 30,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 30,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, किन्हीं कारणों की वजह से हमने उसको गिना नहीं, तो हमारा जो प्रॉफिट है तो 30,000 ज़्यादा शो करेगा.
बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, हमको अगर बाद में पता चले कि वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हम क्या पे नहीं करेंगे उसको? तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर हम 30,000 पे कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बराबर। तो हमको पहले यह पता करना है कि हमने कितना एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं किया है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा शो कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, ऐसा कभी कुछ भी दिया हो दैट वी हैव मिस्ड समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंस, तो यहाँ पर जो है कैपिटल, इंटरेस्ट का कैपिटल है उसको हमने मिस कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? तो यहाँ पर टोटल कैपिटल उसके लिए पता होना चाहिए टोटल इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर तो तीनों का अलग अलग कैपिटल दिया है, तो एक काम करो पहले इन तीनों का जो कैपिटल है उसका हम टोटल कर लेते हैं। तीनों के कैपिटल का अगर हम टोटल करने जाते हैं तो सबसे पहले वाले का है 40,000, ये हो गया 40 प्लस, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको हटा के, दिस वन विल वर्क। सबसे पहले है 40,000, उसके बाद में 30,000 प्लस 80,000, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया? 40 प्लस 30 मीन 70, 70 प्लस 80 मतलब हो गया 1,50,000। तो रुपीस, एक मिनट, तो रुपीस 1,50,000 ये टोटल कैपिटल है सारे पार्टनर्स की मिलाकर। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्यों पता किया कि भाई तीनों के अलग अलग दिए तो सबका टोटल क्यों करना पड़ा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, देखोगे तो आप समझ जाओगे, 1,50,000 था, याद रखना है उसको। यहाँ लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बराबर, सारी लेन देन ख़त्म हो गई है, बिजनेस में जो भी नफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, बराबर, वो हमने सबको बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वॉज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% मिस्ड आउट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस का क्या माना जाता है? एक्सपेंस। तो हमने जो टोटल कैपिटल है उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो उसको एक्सपेंस को हमने गिना नहीं है, तो उसके लिए हमको टोटल कैपिटल चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि एक्चुअली वो इंटरेस्ट कितना बनता है, बराबर। तो 1,50,000 था, 1,50,000 का हमको कितना करना है? 12%, तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमने कितना प्रॉफिट ज़्यादा गिन लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लो, अगर आप करते हो 1,50,000 का 12% करोगे तो टोटल आएगा 18,000, आप कैलसी यूज़ करके चेक करके देख सकते हो, 18,000 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है रुपीज़ 18,000, तो ये 18,000 जो है वो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है, तो सबका प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा ही हुआ होगा। तो देखते हैं किसके पास कितना प्रॉफिट ज़्यादा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मैं ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पूरे सम के अंदर आपको कहीं पर भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो हमने इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, इफ़ देयर इज़ नॉट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर प्रोविज़न नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर। तो हमारे पास जो एक्सपेंस था कितना था? 18,000 का। कितना था? 18,000 का। और यहाँ पर पार्टनर कितने? राम, लक्ष्मण, सीता। तो ये 18,000 को तीन लोगों के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स ₹6,000, इट मीन्स ₹6,000। ये मैंने आपको निकाल के इसलिए बताया कि स्टूडेंट जो 18,000 का एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमने पार्टनर्स को दे दिया है, बोला भाई तीन लोगों तीनों 6,000 ले लो, पर हेड 6,000 उनके पास चला गया है। पर एक्चुअली में क्या उनको उतना मिलना चाहिए? क्योंकि
क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट किया ही नहीं है। नो डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, लेकिन सारे पार्टनर्स जो है क्या उनका कैपिटल एक जैसा है? नहीं है, उनका कैपिटल अलग अलग है। तो किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, किसी को कम इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि जो 18,000 टोटल इंटरेस्ट है, अगर उसको हम एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबके पास 6,000 पर हेड गया है, सबके पास 6,000 गया है। तो बाद में पता चलेगा कि भाई कैपिटल पे तो इंटरेस्ट गिना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। किसी ने 30 इन्वेस्ट किया, किसी ने 80,000 इन्वेस्ट किया, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उनकी कैपिटल, जो तीनों पार्टनर है उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट उनके पास कितना जाना चाहिए और कितना गया है। पहले हम करेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम इनकरेक्ट करते हैं एज़ पर द लास्ट सम। लास्ट सम में भी हमने यही किया था, पहले करेक्ट रेशियो आना चाहिए फिर इनकरेक्ट रेशियो आना चाहिए। तो हमको करेक्शन क्या करना है, क्या इन्होंने भूल की है, वो सबसे पहले करेक्ट करेंगे और उसके बाद में उसको इनकरेक्ट में कंपेयर करेंगे कि भाई ज़्यादा गया है कि कम गया है। चलो देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%। तो राम का जो कैपिटल है वो है 40,000। 40,000 का अगर आप 12% करोगे तो आएगा 4,800, बराबर उसको उतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लक्ष्मण का है 30,000, अगर इसका आप 12% करते हो तो आएगा 3,600, और 80,000 का 12% करते हो तो आएगा 9,600, मीन्स 9,600। ये जो अमाउंट है एक्चुअली में ये अमाउंट इस तरीके से मिलनी चाहिए और इन तीनों का टोटल करके होना चाहिए था 18,000, जो कि टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट है। इस तरीके से इन तीनों के पास जाना चाहिए। कौन से तरीके से जाना चाहिए? राम को 4,800, लक्ष्मण को 3,600 और सीता को 9,600, मतलब 9,600, इस तरीके से जाना चाहिए। क्या पर एक्चुअली में ऐसे गया है? नहीं, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको तो हमने गिना ही नहीं है, तो उसको पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो चाहिए वो रेशियो दिया हुआ नहीं, तो हम इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे, बराबर। तो इनकरेक्ट में हमने क्या लोचा किया वो देख लेते हैं। रिडक्शन इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रॉफिट क्यों बोला? क्योंकि प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा, किस वजह से? इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो 18,000 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इंडिविजुअली हर पार्टनर के साथ अगर ये करना है तो पर हेड कितना गया है, 6,000, 6,000 एंड 6,000। चलो स्टूडेंट्स, तो आप कंपेयर करते हैं। राम को 4,800 मिलना चाहिए था, देखते हैं, एक मिनट, राम को 4,800 मिलना चाहिए था बट ही हैज़ गॉट रुपीज़ 6,000। राम को 4,800 मिलना चाहिए लेकिन उसको 6,000 मिला है, तो ज़्यादा मिला है कि कम मिला है? तो उसको ज़्यादा मिला, तो जिसको भी ज़्यादा मिला है वापस ले लो, उसका अकाउंट माइनस कर दो, बराबर। तो हमने 1,200 माइनस कर दिया। लक्ष्मण भाई को 3,600 मिलना चाहिए बट उसको मिला है 6,000, मीन्स 2,400 हमको उसके पास से वापस लेना है, तो उसका अकाउंट जो है हम क्या कर रहे हैं, माइनस करके रख देते हैं। सीता बहन जो है उनको मिलना चाहिए 9,600 पर एक्चुअली उनको मिला कितना है, ओनली 6,000। तो उनको कितना देना पड़ेगा, हमको 3,600। अब देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमको ये पूछा है राइट जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन की हम एंट्री इस तरीके से करेंगे, जिसकी अमाउंट माइनस में आई है करेक्ट और इनकरेक्ट करने के बाद, उसको डेबिट किया जाएगा और जिसकी प्लस में आई है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो देख लो, राम की 1200, देखो यहाँ ध्यान से मैं बताता हूँ अलग से, राम की जो है 1200 माइनस नेगेटिव अमाउंट है, लक्ष्मण की 2400 नेगेटिव अमाउंट है और सीता की जो है 3,600 पॉजिटिव अमाउंट है। तो इन दोनों का जो नेगेटिव अमाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो प्लस वाला है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैसे करोगे? तो कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है बाय राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 1200, बाय लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 टू सीताज कैपिटल अकाउंट। देख लो नीचे इस तरीके से किया हुआ है,
ये मेन आपको सिर्फ इतना ही देखना है, ज़्यादा माथा बोड़ी नहीं करनी है। बराबर, सबसे पहले करेक्ट, उसके बाद में इनकरेक्ट। करेक्ट में ये वाली अमाउंट जानी चाहिए, इनकरेक्ट में इतना इतना गया है, तो कंपेयर कर लेने का किसका ज़्यादा गया है किसका कम गया है। तो जिसने भी ज़्यादा पैसा लिया है उसका अकाउंट हम माइनस कर देंगे। मान लो राम जी को 4800 की जगह 6000 मिला, तो 1200 वापस लाओ। लक्ष्मण को 3600 की जगह 6000 मिल गया, तो 2400 वापस लाओ। सीता बहन को 9600 की जगह सिर्फ 6000 मिला है, तो सीता बहन को हमको कितना देना पड़ेगा? 3600। क्लियर है? तो जिसका माइनस में आया वो डेबिट, और जो प्लस में आया वो क्रेडिट। देख लो एक बार, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। राम का नेगेटिव है, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। सेकेंड वाला भी डेबिट है, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400, और लास्ट में सीता है, तो इन दोनों का मिला के सीता को दे देंगे। टू सीता कैपिटल और करंट अकाउंट 3600। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।